तो यहाँ पर अपने पास फर्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपन को इस क्वांटिटी की वैल्यू बता के उसका रेसिप्रोकल बताना है। तो इसको ऐसे लिख सकता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे प्रोडक्ट है एन की वैल्यू टू टू, यहाँ पर समथिंग एन तक चलता है, इसको लिख सकता है एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। फिर इसको ऐसे लिख सकता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्रोडक्ट एन की वैल्यू टू टू एन, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता है एन प्लस वन बाय एन एंड एन माइनस वन बाय एन। अब ये दो, अब यहाँ पर इस प्रोडक्ट है तो इसको ऐसे लिख सकता सिंपली, यहाँ पर देखे तो इसको लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस वन बाय एन, और ये यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट अलग से निकालेंगे एन माइनस वन बाय एन, तो इसको निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अगर इस वाले प्रोडक्ट को देखे तो एन की वैल्यू टू रखने पर वन बाय टू आएगा, फिर टू बाय थ्री आएगा, फिर थ्री बाय फोर अप टू एन माइनस वन बाय एन आएगा। और अगर अपन इस वाले प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पर कितना आएगा, थ्री बाय टू के बाद फोर बाय थ्री ऐसे चलेगा और एन प्लस वन बाय एन तक जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ये देखो कैंसिल होगा ऐसे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर तो वन बाय एन बचेगा और इधर जो बचेगा ऐसे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर एन प्लस वन बाय टू बचेगा, ये बचेगा अपने पास लास्ट में। और लिमिट अपने पास थी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी, और उसका रेसिप्रोकल पूछा था तो टू अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पर अपन को लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछी है, तो अपन को ये चीज दे रखी है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर अपन लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू एक्स माइनस थ्री बाय थ्री इज लेस देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 2x plus 5x divided by x square की लिमिट x tending to infinity। ये सही क्यों, क्योंकि x tending to infinity x greater than 0, 0 से तो बड़ा ही है infinity। उसके बाद इसको चेक करें तो यहाँ पर ये x है, तो लिमिट x tending to infinity इसकी लिमिट 2 हो जाएगी। इसकी लिमिट अपन को फाइंड आउट करनी थी, इसको a बोल देता हूँ, और लिमिट x tending to infinity इसकी लिमिट भी 2 हो जाएगी। तो बेसिकली सैंडविच रूल से क्या बोल सकते हैं अपन, तो इस ए की वैल्यू भी टू हो जाएगी, यानी इस लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो एफ ऑफ एक्स है उसकी लिमिट टू हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को एफ ऑफ एक्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और जी ऑफ एक्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और एच ऑफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, तो अपन को इस लिमिट को बताना है। तो सबसे पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस पे देखता है, तो एफ ऑफ जीओ जीरो प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ जीरो प्लस, यानी जीरो प्लस का मतलब एच, तो मॉड्यूलस ऑफ एच जिसको एच लिख सकते हैं, तो यानी जी ऑफ मतलब यहाँ पे कुछ जीरो प्लस आएगा ऐसे लिख देते हैं, और जीरो प्लस पे जो इसकी वैल्यू है वो एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पर ये वन प्लस आएगा कुछ। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस इज एफ ऑफ वन प्लस, एंड एफ ऑफ वन प्लस है जो एक्स माइनस वन है, तो इसकी लिमिट जीरो आ जाएगी यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं, तो अपन लिमिट एक्स टेंडिंग टू अगर जीरो माइनस भी देखेंगे तो भी यहाँ पर ये मॉड्यूलस ऑफ जीरो माइनस वो समथिंग कुछ जीरो प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर वापस एफ ऑफ जीरो प्लस हो जाएगा ये, और जीरो प्लस का मतलब ये वन प्लस है, और वन प्लस का मतलब ये जीरो है, तो ये लिमिट की वैल्यू अपने पास जीरो आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को बोल रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट है और नॉन जीरो है, तो अपन को इसकी लिमिट की वैल्यू थ्री दे रखी है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी बताना है। तो बेसिकली अगर वो मतलब एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है, तो यहाँ पर क्या बोल सकता है, इस लिमिट को अपन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे, ये जो लिमिट अपन को दे रखी है ना उसको इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस जो क्वांटिटी है उसको ऐसे लिख सकता है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो सिर्फ इसको देखेंगे तो इसको मैं कुछ वाई बोल देता हूँ, तो वाई प्लस थ्री वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री दे रखा। तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो वाई क्यूब माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो कि वाई माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू वन। तो बेसिक जो अपनी लिमिट की वैल्यू थी वो वन आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एल अपन को इस लिमिट की वैल्यू दे रखी है, तो अपन को वन बाय फोर एल का मॉड्यूलस बताना है। तो यहाँ पर इस लिमिट को देखता है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन इसको ले तो लिमिट ऐसे लग सकता है एस टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर मैं एक्स इज इक्वल टू टू प्लस एच की बात करता है, तो टू प्लस पे देखते हैं क्या होता है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो यहाँ पे टू प्लस एच करूंगा, और ये वन बाय थ्री माइनस टू और डिवाइड में यहाँ पे एच आ जाएगा, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो
ये 8 माइनस एच की पावर 1 बाय 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एच, ऊपर से यहाँ पे मतलब ये लिमिट एस टेंडिंग टू 0, यहाँ पर ये 2 आएगा एंड 1 माइनस एच बाय 8 की पावर 1 बाय 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो इसका फॉर्मूला इसको अपन अप्रोक्सीमेट इसके कर सकते हैं जब ये वाली क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, तो एक्स वाली जो क्वांटिटी है तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 टू टाइम्स 1 माइनस ये एच बाय 24 हो जाएगा एन माइनस 2 एन डिवाइड में यहाँ पे एच है, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट ये एच टेंडिंग टू 0 आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस ऑफ एच बाय 12 डिवाइडेड बाय एच आएगा, तो सिंपली लिमिट की वैल्यू माइनस 1 बाय 12 आ जाएगी। तो अपने पास 1 डिवाइडेड बाय 4 एल पूछा था, तो 1 बाय 4 हो रही है ऊपर जाके माइनस का 12, तो ये आंसर अपना 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।